गीता थेरेपी में आपका स्वागत है। गीता थेरेपी से किसी भी प्रकार की ओसीडी हो ठीक हो जाती है। जसविंदर जी को रिलीजियस ओसीडी है, वो गीता थेरेपी से हम ठीक कर रहे हैं, काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। अभी एक इनके दिमाग में ऑब्सेशन फंसा हुआ है, उसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जसविंदर जी आप ये बना लोगे? ठीक है जी। ठीक है, तो ए में क्या लिखते हैं? ट्रिगर। ट्रिगर, और बी में? वहम। वहम, सुना बल, शक, लगना, डाउट जो भी है, या ऑब्सेशन। और सी में क्या है? संभावित, क्या है? डर। संभावित डर, खतरा, नुकसान। और ये है साइलेंट किलर, इसके अंदर क्या आता है? डूइंग और अवॉइड। डूइंग करना, मरना, बचना, फंसना, ये आपने बना लेना है। अब बताइए कि क्या ट्रिगर है, क्या विचार आया? आई सर जी, मैं कोई भी चीज़ सुन ला जी, हाँ मतलब मैनू ऐ लगता भी सुन नाल कुछ हो जाता, तो मैंने यह कढ़ना जी भी सुन नाल कुछ नहीं होंदा। कुछ सुनना, ये हो गया ट्रिगर। अब शक। शक क्या हो रहा है? मतलब जी मैनू लगता जी भी जी मैं कुछ सुन लिया भी ये गल नू छड़ दे नहीं हो जूगा जी, मैं कंपल्शन करदा जी भी आके सुनने से कुछ होने का डर। डर, शक, कुछ सुनने से कुछ होगा। हाँ जी, कुछ होने का वहम। ठीक है, तो अब अगर आपने कुछ सुन ही लिया तो इससे आपको हो क्या जाएगा? ये तो जी मतलब की खतरा है भी मैंने कुछ हो जूगा जी। की हो जूगा? सुनो, कुछ भी जी। हाँ बस ये आपका यही है, मुझे कुछ हो जाएगा भी। हाँ। भाई आपने सुन लिया, तारों को हाथ लगा लिया, ऐसे तो कह दो कि रोटी खा ली तो भी मुझे कुछ हो जाएगा। तीन रोटी खा ली, हाँ तीन खा ली, दस खा ली, ऐसे तो कह दो मैंने पानी पी लिया, इससे भी कुछ हो जाएगा। ये कुछ हो जाएगा, ये संभावित डर है, ये सब चीज़ों में सेम आ रहा है। देखो आप सब में एक ही तो है, मुझे कुछ हो जाएगा, बस ये नकली है। जब कुछ होने का विचार ही आपका नकली है, जो होगा सो देखा जाएगा, बस यही आपने सोचना है। ठीक है जी। ठीक है, तो इसके बाद फिर आप क्या कंपल्शन करते हो? मैं कहना जी भी अगल छड़ दो, जो भी मैं सुनता जी, खड़का सुना जी, हाँ ये है बात छोड़ना, सुना चाहे कुछ भी सुना जी, हाँ हाँ छोड़ना कंपल्शन है। और अवॉइड क्या करते हो फिर आप? सुनना ही, सुनने फिर मैं इधर उधर हो जाता जी, हाँ दूर हटना, ये अवॉइडेंस है। तो अब देखो भी, अवॉइड करने से और कंपल्शन करने से क्या आप ठीक हो रहे हो? ना जी, आप तो बीमारी में फंसते जा रहे हो ना। हाँ जी, ये हमारा मन है, ये मन की स्पीड है, ये अचेतन मन है, ये चेतन मन है, तो ये स्पीड है। मान लीजिए मन में जितना कम डाटा होगा उतनी स्पीड फास्ट होगी, यहाँ पर आनंद खुशी मस्ती होगी, जितना डाटा ज़्यादा होगा उतनी स्पीड स्लो होगी, यहाँ पर उदासी नेगेटिविटी होगी। तो आप ये देखिए कि आप बात को छोड़ते हो उससे भी डाटा ऐड हो रहा है, और दूर हट रहे हो उससे भी डाटा ऐड हो रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा इस पर यकीन करते हो इससे भी डाटा ऐड हो रहा है, और सुनने का विचार बार बार आपके मन में आता है और इस विचार को आप महत्व देते हो इससे भी डाटा ऐड हो रहा है। तो इन चारों तरीकों से डाटा ही तो आप मन में डाल रहे हो ना, इन चार तरीकों से, ये चार रास्ते हैं जहाँ से आपके मन में डाटा आ रहा है। जैसे
किसी राज्य पर आक्रमण होता है तो चारों दिशाओं से आक्रमण होता है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये चारों दिशाएं हैं जहां से आपके मन में डाटा आ रहा है। तो आप दूर हटके क्या ठीक हो जाओगे? नहीं। क्या आप बात को छोड़ करके ठीक हो जाओगे? कंपल्शन हो गया। मम्मी। क्या आप डर करके कि कुछ हो जाएगा, इस डर को सच मानोगे तो ठीक हो जाओगे? इस वहम को सच मानोगे, इस विचार को महत्व दोगे, ठीक हो जाओगे? इससे आप और बीमार हो रहे हो। तो ये प्रक्रिया कितने सालों से चलती आ रही है? एक महीने में स्टोर हो गया है, तो अब देखिए कुछ ही महीनों में आपके लाखों में चला जाएगा। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? अब आपको लगता है कि डी से ठीक सी ठीक होता है, लेकिन ये गलत अप्रोच है, ओसीडी वाली अप्रोच है। डी से सी ठीक नहीं हो रहा, अलबत्ता सी बड़ा हो रहा है। जितनी ज़्यादा आप डूइंग करोगे उससे संभावित खतरा बढ़ जाएगा, अवॉइड करोगे उससे भी संभावित खतरा असली हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। फिर आपके मन में ये शक जो ये यकीन है ये गहरा हो जाएगा कि कुछ हो जाता, मैंने कुछ किया है, बात को छोड़ा है, दूर हटा हूँ, इसीलिए कुछ नहीं हुआ, वरना कुछ होना तो लाजमी था, पक्का कुछ ना कुछ होता, लेकिन मैंने अब छोड़ दिया है, इस बात को छोड़ दिया, इसीलिए मैं बचा हुआ हूँ। तो आपके मन में ये गलत महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक फायदे अनेक, आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।